एवरीवन, फिल्म 2013 का इकोनॉमिक सेक्शन का सवाल है डेमोग्राफिक डिविडेंड को लेकर। यहाँ पर सवाल पूछा गया है, देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। सो टू ऑप्टेन फुल बेनिफिट ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड व्हाट शुड इंडिया डू। ठीक है, बेसिक ही सवाल है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा कि इंडिया शुड प्रमोट स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, सो बाकी का कोई बहुत ज्यादा मीनिंग यहाँ पर नहीं बनता। जब मैं स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट एनालिसिस करूंगा तो उसमें और एक और क्लैरिटी दे दूंगा कि बाकी सारी चीजें जो यहाँ पर मेंशन करी गई है वो डेमोग्राफिक डिविडेंड से कैसे कनेक्टेड है या नहीं है। अगर आंसर की बात करें तो आंसर इज ऑप्शन ए। कीवर्ड्स क्या क्या यहाँ से पिक करने हैं वो भी समझ लीजिएगा। तो कीवर्ड में सबसे पहला तो डेमोग्राफिक डिविडेंड को लेकर आपको वैल्यू एडिशन करनी होगी। पॉपुलेशन पॉलिसी का भी एक यहाँ पर एंगल आ सकता है, लेकिन फिर पॉपुलेशन पॉलिसी बहुत ओपन एंडेड हो जाएगा, तो आई एम नॉट गोइंग फॉरवर्ड टू दैट पॉपुलेशन पॉलिसी वाला पार्ट। बाय एंड लार्ज पॉपुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है उनको लेकर सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या एक्सप्लेनेशंस में निकल कर आता है। तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट दिया गया था प्रोमोटिंग स्किल डेवलपमेंट, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होती है? तो डेमोग्राफिक डिविडेंड ये इकोनॉमिक ग्रोथ है। किस कारण से मिली? तो आपके पॉपुलेशन का जो वर्किंग एज ग्रुप है उसके ज्यादा होने के कारण किसी एक कंट्री को, किसी एक जियोग्राफिकल रीजन को जो इकोनॉमिक ग्रोथ मिलती है उसको हम लोग कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। अब ये डेमोग्राफिक डिविडेंड अपने आप नहीं आएगा, जो भी आपके पास वर्कफोर्स है, वर्किंग पॉपुलेशन है, उस वर्किंग पॉपुलेशन के पास काफी अच्छी स्किल चाहिए ताकि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, और तभी जाकर आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड यहाँ पर मिल पाएगा। तो दैट इज वाई ऑप्शन ए इज करेक्ट। दूसरा जो स्टेटमेंट है ये भी थोड़ा बहुत आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड से रिलेट करते हुए दिखाई देगा, लेकिन इट्स नॉट टोटली रिलेटेबल। यहाँ पर कहा गया है इंट्रोड्यूसिंग मोर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। ठीक है, तो ये जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है उसके लिए आपको प्रोविजंस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो उस कारण से, इस पर्टिकुलर फीचर के कारण से आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो वर्किंग एज पॉपुलेशन होगा उसके लिए आपको यहाँ पर प्रोविजंस रखने होंगे। रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में कहा गया है, इसका एज सच कोई बहुत ज्यादा कनेक्शन नहीं है इंडिया के डेमोग्राफिक डिविडेंड के साथ या किसी भी डेमोग्राफिक डिविडेंड के साथ। एट द सेम टाइम ये इन्फेंट मोर्टेलिटी जो है ये आपका एक हेल्थ का इंडिकेटर है। यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन कहा गया है, हो सकता है कि प्राइवेटाइजेशन करने के बाद आपको अच्छी स्कूलिंग मिले, लेकिन लार्ज स्केल पर कॉमन मैन तक अच्छे स्कूलिंग की प्रोविजंस उससे नहीं पहुंचेगी। गवर्नमेंट शुड बी इन्वेस्टिंग इन गुड प्राइवेट एजुकेशन, गुड एजुकेशन रादर देन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। तो इस प्रकार से ये कुछ एक ऑप्शंस भी यहाँ पर हमने देख लिए। बात करते हैं अगले मुद्दे की। अब ये जो बेसिक कंसेप्ट है इसके पहले भी पूछा गया है, लेकिन इंडिया के पॉपुलेशन को लेकर और इंडिया के डेमोग्राफिक डिविडेंड को लेकर कई सारी चीजें करंट अफेयर्स में आपको दिखाई देगी। वैल्यू एडिशन जाने से पहले कम इन दिस इन न्यूज वाला सेक्शन, तो रघुराम राजन ने हाल फिलहाल में एक स्टेटमेंट किया था कि इंडिया नॉट रीपिंग डेमोग्राफिक डिविडेंड। ठीक है, अदर देन दैट पॉपुलेशन को लेकर क्या क्या वरीज यहाँ पर निकल कर आई है, तो फर्टिलिटी रेट जो बहुत कम हो चुका है, एक टर्म यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी होगी, दैट इज टोटल फर्टिलिटी रेट। सो टोटल फर्टिलिटी रेट इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन बॉर्न टू अ वुमन इन हर होल ऑफ द लाइफ स्पैन। ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये टोटल फर्टिलिटी रेट है। इंडिया के कई सारे स्टेट्स में आपको टोटल फर्टिलिटी रेट 1.6 या 1.7 तक नीचे गया हुआ दिखाई देगा, और अगर टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 के नीचे चला जाता है तो वी विल से दैट पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन उसमें पॉपुलेशन में डिक्लाइन होगी। तो इसको लेके फिर वरीज है, और यहाँ से भी अगला क्वेश्चन आ सकता है। तो मेरे पास कुछ एक कीवर्ड्स यहाँ से होंगे जो आपको ध्यान में रखने होंगे। अदर देन दैट एल्डरली पॉपुलेशन को लेके भी पॉपुलेशन के इश्यूज पिछले कुछ दिनों में दिखाई दिए, और एल्डरली पॉपुलेशन से ही आगे एक कीवर्ड यहाँ पर निकल कर आता है, दैट इज सिल्वर डिविडेंड। ठीक है, तो एल्डरली पॉपुलेशन जो है इट शुड बी कंट्रीब्यूटिंग इन योर इकोनॉमी एज वेल, और तब हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर सिल्वर डिविडेंड होगा। अब ये वैल्यू एडिशन में क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है वो भी समझ लीजिएगा। कुछ एक नंबर्स यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो इंडिया का जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, 67% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज इन नाउ वर्किंग एज ब्रैकेट। अब ये वर्किंग एज क्या होगा, 15 to 64 इयर्स का जो ब्रैकेट होता है उसको हम लोग कहेंगे कि ये वर्किंग एज ब्रैकेट है। मीडियन एज भी पूछा जा सकता है इंडिया का। इंडिया का फिलहाल मीडियन एज निकल कर आ रहा है 28.4, एंड डिपेंडेंसी रेशियो जो है ये हमारा फेवरेबल रहेगा अप टू 55 to 56। अब ये डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है, तो पॉपुलेशन में दो ग्रुप होते हैं, एक डिपेंडेंट पॉपुलेशन का ग्रुप, दूसरा वर्किंग ग्रुप। तो 15 to 64 इज वर्किंग ग्रुप, 15 से नीचे और 64 के ऊपर का जो भी पॉपुलेशन होगा, यानी बच्चे होंगे या बुजुर्ग होंगे, ये सारे ही आपके डिपेंडेंट पॉपुलेशन है। देन वी ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड एज प्रोजेक्टेड पीक, कि इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड कब पीक करेगा। तो कहा जाता है कि इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड 2041 तक
पीक करेगा, 59% ऑफ द पॉपुलेशन जो रहेगा तब 20 to 59 या 15 to 65 के एज ग्रुप में आपको दिखाई देगा। सिल्वर सुनामी करके एक कीवर्ड यूज किया जाता है, तो इट रेफर्स टू द रैपिड इंक्रीज इन द एल्डरली पॉपुलेशन। सो ये भी आने वाले दिनों में इंडिया के लिए एक इश्यू रहेगा, तो उसको लेके भी आपको ये कीवर्ड या टर्म पूछी जा सकती है। एजिंग ट्रैप भी सिमिलर टाइप ऑफ कीवर्ड आपको दिखाई देगा। तो दिस डिस्क्राइब्स द इकोनॉमिक एंड सोशल चैलेंजेस फेस्ड बाय नेशंस वेयर पॉपुलेशन एजिंग अकर्स बिफोर अचीविंग सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसको कहा जाएगा एजिंग ट्रैप। अब एजिंग ट्रैप इंडिया के कंटेक्स्ट में क्यों इंपॉर्टेंट है, ये कहा जा रहा है कि इंडिया की केस में हो सकता है कि एजिंग ट्रैप हो, अगर ग्रोथ नहीं होगी या डेवलपमेंट नहीं होगी, राइट। सो इंडिया के पास ऑलरेडी वर्किंग एज ग्रुप में बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, और मान लीजिए बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक आउटपुट ये नहीं दे पाई फॉर एनी रीजन, ठीक है, तो उस कारण से ये जो अगला फेज होगा वर्किंग एज पॉपुलेशन एज ब्रैकेट में चली जाएगी या ओल्ड एज पॉपुलेशन में चली जाएगी, और फिर हमारे पास होगा दैट इज एजिंग ट्रैप। तो इस प्रकार का एक कीवर्ड पूछा जाएगा कि ये एजिंग ट्रैप क्या होता है। देन वी ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड एज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन स्टैग्नेशन, हाईलाइट्स द फेलियर टू मूव फ्रॉम डेमोग्राफिक डिविडेंड फेस टू सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, उसको कहा जाएगा, और डिपेंडेंसी ओवरलोड करके भी एक टर्म सिमिलर सेंस में यूज करी जा सकती है। सिमिलर PYQs भी पूछे गए हैं, बेसिक बेसिक PYQ है। 2011 में डेमोग्राफिक डिविडेंड डायरेक्टली पूछा गया था। 2018 का ये जो क्वेश्चन है, मिक्स एंड मैच आपको यहाँ पर दिखाई देगा, राइट टू एजुकेशन को मिक्स किया गया था डेमोग्राफिक डिविडेंड के साथ। तो इस प्रकार का भी एक कोई क्वेश्चन आपको दिखाई देगा एग्जाम में। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ये जो पॉपुलेशन वाला सेगमेंट है ये क्यों इम्पॉर्टेंट होगा आने वाले दिनों में, तो UPSC ने 2024 में एक सवाल पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर फेसिंग पॉपुलेशन डिक्लाइन, जर्मनी इटली इस प्रकार के कुछ एक नाम आपको वहां पर दिखाई देंगे, एंड दैट वॉज लाइक ए टोटल सरप्राइज कि जनरली ऐसे कोई क्वेश्चन पॉपुलेशन जियोग्राफी के बहुत ज़्यादा देखे नहीं गए थे। बट हाल फिलहाल में अब ये दिख रहा है कि वर्ल्ड लेवल पर भी जो डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट है वो एक बहुत बड़ा इशू बन रहा है, इंडिया में भी डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट एक बहुत बड़ा इशू बन रहा है, एजिंग ऑफ पॉपुलेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी निकल कर आ सकते हैं, ठीक है। तो देखते रहेंगे करंट अफेयर्स में, अगर कुछ आता है तो वी विल अपडेट अकॉर्डिंगली। विल सी यू इन नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन।